नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC, JPSC या अन्य स्टेट सिविल सर्विस कमीशन, बैंक, PO, रेलवे, SSC, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देख करके जो है बहुत सारे स्टूडेंट अपना लाभ ले सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के अंतर्गत जो है भारत का आकार एवं स्थिति, भारत का आकार किस प्रकार है, कहां पर स्थित है और इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो भारत का आकार जो है पश्चिम से उत्तर की ओर जाते हैं, फिर उत्तर से पूर्व की ओर आते हैं, पूर्व से दक्षिण की ओर और दक्षिण से फिर पश्चिम की ओर। तो ये जो है भारत का आकार हमारा दिखता है, यह है भारत का आकार चतुष्कलनीय है, यानी भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। तो भारत का आकार चतुर्भुजाकार है, यह क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत का स्थिति। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में या पश्चात कहां पर स्थित है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो भारत का स्थिति है, जैसे भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से भी और नीचे जो भाग है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर भारत के सबसे उत्तरी भाग की ओर यानी इंदिरा पोल तक भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को हम लोग भौगोलिक विस्तार कहते हैं। तो भारत का भौगोलिक विस्तार है, जिसे सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। 8° 4' उत्तरी अक्षांश, 8° 4' उत्तरी अक्षांश से 37° 6' 37° 6' उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं, भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है और सबसे पूर्वी भाग, दोनों जो है कौन से कितने जो है देशांतरीय विस्तार पर स्थित है। तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग का विस्तार है 68° 7' पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97° 97° 25' पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तक। यानी भारत का भौगोलिक विस्तार है 8° 4' उत्तरी अक्षांश से 37° 6' उत्तरी अक्षांश तक। अब भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ये जो है 2.4% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। तो भारत से अन्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं उनका क्रम है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश से बड़े देश सबसे पहले है, सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा स्थान में आता है कनाडा, तीसरा स्थान में है चीन, चौथा स्थान में आता है यूएसए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा स्थान में आता है ब्राजील, छठा स्थान में है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां स्थान है भारत, भारत। आठवां स्थान में आता है अर्जेंटीना। नाइन्थ नंबर में आता है हमारा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और टेंथ नंबर में आता है अल्जीरिया। तो इस प्रकार से जो है ये जो है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं, तो इसमें भारत का स्थान क्या है, सातवां है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, तो सातवां स्थान है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के मैप से होकर जो है हमारा कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं।
और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसको कर्क रेखा करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या करते हैं? कर्क रेखा करते हैं। और यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको जानने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है, मित्र पर गमछा झार। मित्र यानी मा, मा से है मिजोरम, मिजोरम। त्र से है त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, राजस्थान। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर के राज्य बना है छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड, झारखंड। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसको याद करने का सरल तरीके है, मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक्स है। अब हम लोग देखते हैं भारत के मध्य से होकर एक मानक समय रेखा है जिसको 82 डिग्री 23 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और यह भारत का मानक समय रेखा है। यह रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी नाम स्थान से होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो घड़ी की सुई बताती है पूरे भारत में उसका समय को माना जाता है। ऐसे देखते हैं कि भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है जैसे अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी भाग है गुजरात, तो दोनों के मध्य में हम लोग देखते हैं लगभग 30 डिग्री का अंतराल है। 30 डिग्री का अंतराल है, यानी जो एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री बराबर 30 × 4 मिनट बराबर 120 मिनट, अर्थात 120 मिनट बराबर 2 घंटा, यानी 2 घंटे के समय का अंतराल होता है। अगर पूर्वोत्तर भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश में यदि 5 बजे सुबह होता है, तो आपका गुजरात का जो पश्चिम भाग है यहाँ पर सुबह कितना बजे होगा? 7 बजे। यहाँ पर सूर्योदय भी पहले होता है और सूर्यास्त भी पहले होता है, जबकि भारत का पश्चिम भाग जो है गुजरात, यहाँ पर सूर्योदय भी बाद में होता है और सूर्यास्त भी बाद में होता है। तो ये जो है दोनों के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतराल है। और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है विश्व का 180 डिग्री है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से हम लोग का जो ये है लगभग 5.5 घंटे का अंतराल होता है, 5 घंटा 30 मिनट का। तो ये है भारत का भौगोलिक विस्तार। अब आते हैं आगे भारत का जो है स्थिति के बारे में। भारत का स्थिति के अंतर्गत जैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ बनती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत का 2 प्रकार का है। एक है स्थलीय सीमा, दूसरा जो है तटीय या जलीय सीमा। भारत के उत्तर में स्थलीय सीमा का निर्माण होता है, और भारत के दक्षिण में क्या है, जलीय सीमा का निर्माण होता है। स्थलीय सीमा का जो लंबाई है जैसे भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ तक का कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जबकि तटीय या जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,600 किलोमीटर।
मुख्य भूमि का जो तटरेखा है, मुख्य भूमि का जो तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का तटरेखा को मिलाकर के दोनों मिलाकर के 1500 किलोमीटर है और इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारा कितना है 7600 किलोमीटर तटरेखा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण होता है भारत में दो प्रकार से है, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। अब आगे देखते हैं सबसे पहले स्थलीय सीमा के बारे में, यानी स्थलीय सीमा का निर्माण कैसे होता है, किन किन देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो स्थलीय सीमा का निर्माण करती है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है 4096 किलोमीटर। दूसरा स्थान में है चीन, चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 3917 किलोमीटर। तीसरा स्थान है पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। चौथा स्थान पर आता है नेपाल, नेपाल के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 1752 किलोमीटर। उसके बाद है भूटान के साथ, म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 1587 किलोमीटर। अगला है भूटान, भूटान के साथ भारत की स्थलीय सीमा का लंबाई है 587 किलोमीटर। और सबसे कम दूरी तक स्थलीय सीमा का निर्माण करती है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ये है 80 किलोमीटर। ये जो अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है, यह अभी वर्तमान समय में ये क्षेत्र जो है POK पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर के अंतर्गत आता है और यह भी भारत का ही हिस्सा है लेकिन वर्तमान समय पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। अब देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में जो है देशों के साथ जो भारत की सीमा रेखा है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य का जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं, यह है जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान है यहाँ पर, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ये है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो देखते हैं आइए सबसे पहले कि अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे भारत और ये जो है, ये जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं रेड क्लिप रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिप, इसको कहते हैं रेड क्लिप रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और इसकी लंबाई है 1420 किलोमीटर। उसके बाद है वास्तविक नियंत्रण रेखा, फिर उसके बाद है नियंत्रण रेखा। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है अलग अलग क्षेत्र में सीमा का निर्धारण हुआ है। अब देखते हैं भारत और अफगानिस्तान दोनों के मध्य का जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य का सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। फिर भारत और चीन के मध्य का जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो ये जो है तीन देशों के साथ भारत की सीमा रेखा को अलग अलग नामकरण दिया गया है, अलग अलग नाम से जानते हैं और ये जो है इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अब आते हैं बाकी जो देशों के साथ भारत की सीमा रेखा है वहां पर इसका नामकरण नहीं हुआ है। उत्तरी भाग में थी जो भी स्थलीय सीमा है ये प्राकृतिक है, पर्वत पठार के द्वारा ये निर्धारित हुआ है। और दक्षिण, जैसे दक्षिण भाग में जो भी हम लोग का सीमा रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जलीय सीमा है। और यहाँ पर देखते हैं अराकान योमा के पर्वत का नाम है उसके द्वारा यहाँ भारत और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा का निर्माण हुआ है। अराकान योमा पर्वत का नाम है, इस पर्वत के द्वारा भारत का सीमा निर्धारण हुआ है। जबकि अधिकतर क्षेत्र जो है भारत का जो है हिमालय पर्वत के द्वारा सीमा निर्धारण किया गया है।
तो इस प्रकार से जो हम लोग का है स्थलीय सीमा। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है दूसरा तटीय सीमा। तटीय सीमा के अंतर्गत जो है दूसरा में है तटीय सीमा। तटीय सीमा तो तटीय सीमा का लंबाई कितना है? 7,600 किलोमीटर। तटीय सीमा को जो है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जैसे हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों से होकर भारत की तटीय सीमा का निर्माण होती है। इसमें से सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो ये जो तटीय सीमा है इसको दो भागों में बांटा गया है। तटीय सीमा को दो भागों में बांटते हैं। क नंबर में है पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय सीमा, पूर्वी तटीय सीमा। पूर्वी तटीय सीमा जो है हमारा जैसे कन्याकुमारी से लेकर आपका जो सुंदरबन का डेल्टा तक है इसको पूर्वी तटीय सीमा कहते हैं। ये पूर्वी घाट पर्वत के सहारे फैला हुआ है और विस्तृत है। तो ये कुल इसका जो है इसको पूर्वी तटीय जो सीमा है इसको भी हम पुनः दो वर्गों में तीन वर्गों में बांटते हैं। पहला जो है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी का डेल्टा तक, ये कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का डेल्टा तक है, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी का डेल्टा से फिर चिल्का झील तक ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं उत्कल, उत्कल तट। और उसके बाद जो है चिल्का झील से सुंदरबन का डेल्टा तक जो है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो इस प्रकार से भारत का जो पूर्वी तट है यह तीन भागों में बंटा हुआ है, कोरोमंडल तट, उत्कल तट और उत्तरी सरकार तट। अब आते हैं भारत का जो है पश्चिमी, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट जो है गुजरात में कच्छ से लेकर भारत के दक्षिण भाग में जो है स्थित कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और ये जो है इसको भी तीन वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को भी तीन वर्गों में बांटा गया है आपका गुजरात जो है कच्छ से लेकर सूरत तक ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसको कहते हैं गुजरात से सूरत तक इसको कहते हैं कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट, ये कठियावाड़ तट हुआ। और सूरत से लेकर आपका गोवा तक, सूरत से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है इसको कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। और ये जो भाग है सूरत से लेकर जो कन्याकुमारी तक है इसको कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। तो इस प्रकार से जो है भारत का जो पश्चिम तट है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, जो है कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट, मालाबार तट। ये जो है यहाँ पर इस प्रकार हम लोग का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का निर्धारण होता है। अब देखते हैं भारत के दक्षिण में जो स्थित है जैसे हिंद महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर जो है हिंद महासागर के मध्य से होकर भारत मध्य में भारत का स्थिति है। और इस कारण से जो है हिंद महासागर का नामकरण भारत के नामकरण पर ही पड़ा है। यानी भारत का नाम है जैसे भारत को चार नामों से जानते हैं, भारत के कितने नाम है? चार नाम है, चार नाम। पहला है आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त मतलब सब लोगों का देश। दूसरा है भारत, राजा भरत के कारण इसका नाम पड़ा। तीसरा है हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो है धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ आजादी के बाद, और हिंदू जनसंख्या अधिक होने के कारण इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। और चौथा जो है इंडिया। तो इस प्रकार से भारत के कितने नाम है? चार नाम है, चार नामों से जाना जाता है। और हिंदुस्तान के प्रभाव के कारण ही भारत के दक्षिण में स्थित जो महासागर है उसका नामकरण हिंद महासागर हुआ है।
हिंद महासागर का दो विस्तार है, ये जो है पूर्वी भाग, इसको कहते हैं पूर्वी भाग को कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में हमारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और जिसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद हिंद महासागर का जो पश्चिमी विस्तार है इसको कहते हैं अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर में ही जो है एक हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है परवाल भित्ती के द्वारा, परवाल भित्ती के कारण ही इसका निर्माण हुआ है, जबकि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण मुख्य भूमि के टूटने से हुआ है। तो ये जो है भारत का स्थिति है। और देखते हैं यहाँ पर जैसे अरब सागर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी, खंबात, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी में ही भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन केंद्र मुंबई है, जो मुख्य भूमि से 40 किलोमीटर दूर है। मुंबई हाई जो मुख्य भूमि से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन होता है और उसका उपयोग हम लोग विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। तो ये जो इस प्रकार देखते हैं कि भारत का स्थिति और विस्तार, और जैसे भारत का स्थिति जो है हिंद महासागर के उत्तर में होने के कारण, केंद्र में होने के कारण इसको कई लाभ मिलता है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो होता है हमारा भारत का स्थिति के कारण ही है, क्योंकि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर अरब सागर से मानसून की शाखाएं उत्पन्न होती हैं और संपूर्ण भारत में आकर के वर्षा कराती हैं, और स्थिति के कारण ही मानसूनी जलवायु का निर्माण हुआ है। फिर देखते हैं कि भारत का स्थित दक्षिण में हिंद महासागर स्थित होने के कारण जो है विदेश व्यापार जो है जल परिवहन के द्वारा होता है, जलमार्ग के द्वारा होता है। भारत में कुल विदेश व्यापार का 98% भाग जो जल परिवहन के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से भारत के दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति का बहुत ही अधिक महत्व है। सीमा निर्धारण में भी हम लोग का कोई किसी प्रकार का ऐसा खर्च नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया सीमा होने के कारण यहाँ पर अक्सर दूसरे देशों के साथ विवाद होता है, अक्सर झड़प होती है, लेकिन दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति होने के कारण हमें इस प्रकार के समस्या नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो है अब हमारा जो ये अंत, इस क्लास का ये अंत हुआ। थैंक यू।